हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त ममता और स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल क्रिएट समथिंग विद ममता में। तो आज का वीडियो फिर से मैं लेके आई हूं एक नए मेकओवर वीडियो की ओर, जो मैंने अपने वॉल का किया है। घर की डेली सफाई तो सभी करते हैं, लेकिन अपने डेली लाइफ पे हम वो समय नहीं दे पाते जिससे हम अपने रूम का एक डीप क्लीनिंग कर सकें। तो आज मैं अपना वो समय अपने रूम को देने जा रही हूँ। मैंने फ्लिपकार्ट से ये वॉलपेपर मंगवाया था, 3D वॉल ब्रिक स्टिकर है ये 70x70 का स्टिकर है जिसे मैंने मंगवाया था। टोटल 12 पीसेस मैंने मंगवाया था जिसमें मेरे 2-3 पीस बच गए। तो पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा जो वॉल है कुछ इस तरह से दिखता था। इस पे बच्चों ने पेंटिंग बना के रखे थे, पूरे पेंसिल से उन्होंने कलर इस पे कर दिए थे और ये बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था। लगभग 4 से 5 साल हो गए हमने इस पे कोई पेंट नहीं करवाया था और ये बहुत ही गंदा हो गया था। और इसका जो ऊपर का पार्ट है ये बहुत अच्छा था, उस पे कोई भी डस्ट या फिर पेंसिल के कोई निशान नहीं थे, बस कहीं कहीं मकड़ी के जाले, डस्ट किनारे किनारे पे और जितने भी डेकोर आइटम्स थे वो पूरे गंदे हो गए थे। तो आज मैं इसे पूरी तरीके से क्लीन करके पूरा ये वॉल ही चेंज करने का सोच रही हूँ। और ये हमारा दीवार कुछ इस तरह से दिखता था। मैंने धीरे धीरे करके सारे जितने के डेकोर आइटम्स थे ना वो निकाल दिए हैं। और ये जो पीस है ये 3 का सेट था, ये हमने अमेज़ोन से मंगाया था जब हमने इस वॉल को पेंट करवाया था, तब से ये यहीं पे लगा हुआ है। तो ये भी मैं निकाल दूँगी। अभी मेरे पास कोई हेल्पिंग हैंड्स नहीं है, जो करना है वो मुझे अकेले ही करना है। तो एक्चुअली ये मेरे हस्बैंड के लिए सरप्राइज़ है, फिर से मैंने उन्हें सोचा कि एक सरप्राइज़ दिया जाए, आज वो घर पे नहीं है तो मैंने सोचा अपना थोड़ा टाइम इस पे निकाला जाए। और मैंने जितने भी डेकोर आइटम्स थे वो सारे निकाल दिए हैं। अब मैं थोड़ा इसे एक बार पोंछ लूँगी, झाड़ू लगा लूँगी, इस पे जितने भी डस्ट हैं, मकड़ी के जाले हैं वो सारे निकल जाएंगे। और फिर अब देखिए मैं क्या करती हूँ कि पहले मैं जो इसका जो स्टिकर है वो इसे नाप लेती हूँ ये कहाँ तक होगा। और मैंने एक ना वीडियो पे देखा था कि इस पे जो है स्टिकर पे छोटे छोटे पीसेस रहते हैं, मतलब जो ब्रिक है वो बड़े बड़े पीसेस का है और किनारे किनारे पे छोटे छोटे ब्रिक के प्रिंट है। तो वो जो छोटे ब्रिक के प्रिंट है वो मैं निकाल लूँगी दोनों स्टिकर के। तो फिर ये जो क्या होगा ये एक के अंदर एक एडजस्ट हो जाएगा। तो इसका ऐसा लगाने का एक फ़ायदा ये है कि इसके बीच में जो लाइनिंग आती है, अगर हम दोनों स्टिकर को एक साथ लगाते हैं बिना काटे तो बीच पर एक लाइन आ जाता है, तो फिर वो लाइन जो है वो नहीं दिखेगा और ये थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा इस तरह से काट के लगाने पे। और ये आपके ऊपर है कि आप इसे किस तरीके से लगाना चाहते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से लगाया है। दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि इसका जो ग्लू है काफ़ी स्टिकी है और ये अगर ज़मीन पे अगर गिर रहा है तो फिर वो ज़मीन को पूरा मतलब पूरा स्टिक हो जाएगा, आपको निकालने में बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। तो फिर आप कोशिश कीजिएगा कि आप किसी की मदद ले लें या फिर उसका जो पीछे का जो लेबल है जो जैसे हम निकालते हैं वो आप ज़मीन पे डायरेक्टली ना फेंकें। और ये मैंने पूरा घर का देखिए किस तरह से कचरा फैला कर रखा है और ये भी मुझे ही साफ़ करना है। और इस सेट का जो आप दीवार देख रहे हैं ना, ये दीवार मैंने अपने पहले वीडियो पे इसे मेकओवर किया था, तो उसका भी कलर मैंने वाइट रखा था। तो सेम थीम पे मैंने इसका भी वाइट वॉलपेपर मैंने चूज़ किया है। इसके जो छोटे छोटे पीस बचे हुए हैं ना जो कटने के बाद पे, वो मैं जो ऊपर है वहाँ पे स्टिक करूँगी। और ये ऊपर का पोर्शन है तो ये उतना अच्छा से हाईलाइट नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा। तो फिर मैं जितने भी इसके बचे हुए पीसेस हैं वो ऊपर लगा दूँगी। तो ये देखिए बनने के बाद मेरा वॉल कुछ इस तरीके से दिख रहा है। आपको ये पसंद आया कि नहीं आया ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, जितने भी ये देखिए किस तरह से फंगस इस पे लगे हुए हैं और अब हम इसे क्लीन करेंगे।
मैंने एक वेट कपड़ा लिया है और फिर मैं धीरे धीरे करके सारे जो डेकोर आइटम्स हैं वो क्लीन करूँगी। अब पारी है इसे लगाने की। तो मैंने क्या किया था, यहाँ जो पहले से होल बना हुआ था ना जहाँ पे नट लगे हुए थे, उसे मैंने सर्च किया और फिर मैंने उसी जगह पे ही इसे प्लेस कर दिया, क्योंकि अभी मेरे पास कोई भी नहीं था कि वो दोबारा नया कील उसमें लगाए। तो फिर मैंने सेम ही जगह पे उसे प्लेस कर लिया और जितने भी फ्लावर्स थे उसे सब मैं एक बार वॉश कर लूँगी। और ये जो मेरा तोरण जैसा मैंने बनाया हुआ था हैंगिंग, ये मैंने पुराने लेस बचे हुए लेस से बनाया था, तो ये जो है मैं इसे उसी जगह पे ही हैंग कर दूंगी। मैंने अभी अपना कोई भी प्लेस चेंज नहीं किया है, बस मैंने ये जो है ना वॉलपेपर ही बस चेंज किया है, बस उसी से हमारा जो लुक है वो पूरा चेंज हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से ये हमारे राम जी को भी मैंने यहाँ पर प्लेस कर लिया है। और अब देखिए ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है, पहले ये कैसा दिखता था और अब ये कैसा दिख रहा है। आप भी इसे देखिए और प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा। ये एक बुद्धा का कॉर्नर मैंने क्रिएट किया है, ये मेरे लिए बहुत सेटिस्फाइंग है। और आप बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।